आज का पूरा दिन हाइडलबर्ग में ही गुजारना है, घूमते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग हाइडलबर्ग में हैं और ये रेलवे स्टेशन के बाहर का रेलवे स्टेशन के बाहर का ये ट्राम स्टॉल है हाइडलबर्ग सिटी। आज का दिन यहीं गुजारूंगा, चलो घूमते हैं भाई। मौसम भी अच्छा है, हवा बहुत तेज चल रही है। ये जो सफाई है ना भाई, ये मुझे भारत के हर शहर, हर जिले, हर गांव में मुझे चाहिए, और इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इतनी खूबसूरत स्ट्रीट है, अभी स्प्रिंग का मौसम है इसलिए पत्ते आ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। पीछे बच्चे को बैठा करके साइकिल से जा रहा है। यू लाइक इट? कैसा लग रहा है भाई सर? पहाड़ पे भी कुछ घर बने हुए हैं। काफी खूबसूरत टाउन है, नीट क्लीन ब्यूटीफुल। यूरोप में तो, यूरोपियन सिटीज की तो यही खासियत है। तो कैसा लग रहा है टाउन हाइडलबर्ग? यहाँ की काफ़ी ओल्ड, काफ़ी पुराना टाउन है। WHO का भी क्वार्टर है यहाँ पर। और देखते हैं क्या दिखता है।
मैं अभी जा रहा हूँ ओल्ड टाउन, यहाँ का ओल्ड सिटी किस साइड है, ऐसे ही रास्ता खोज रहा हूँ, देखो किधर मिलता है। एक क्लिनिक है, टनल है पहाड़ के अंदर से। शायद से यही रास्ता जाना चाहिए ओल्ड टाउन के साइड। आई थिंक दिस इज ओल्ड टाउन। सारी बिल्डिंग पुरानी है। देखो सारे मकान सब जितने सब पुराने पुराने मकान हैं, और यहाँ जो भी आर्किटेक्ट है सब पुराने स्टाइल का है। दिस इज ओल्ड टाउन, शहर का पुराना भाग। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आप मेरे साथ शहर देखो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बस घूम ही रहा हूँ। इतनी पतली गली है, ओल्ड टाउन हाइडलबर्ग।
चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है। ये खरीदा हूँ एक निशानी के तौर पे। यहाँ का लगता है सेंटर है, ओल्ड टाउन का सेंटर, ओल्ड टाउन सेंटर। जर्मनी में है ना चर्च बहुत है, हर कोने में, एक शहर में कम से कम मुझे तो लगता है 50 चर्च तो होते ही है। एक छोटे से छोटे टाउन में भी 20-30 चर्च तो रहते ही है। और यह हाइडलबर्ग में ही है कम से कम 30-40 चर्च तो, हाइडलबर्ग कैसल, तो काफ़ी चर्च है। और जर्मनी ऐसे भी मोस्टली कैथोलिक, यहाँ कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं और कैथोलिक कंट्री है मेनली। ये हाइडलबर्ग मुझे लगता है ये कैसल जाने का रास्ता है, और यहाँ का जो किला है शायद यही रास्ता होगा ऊपर कैसल जाने का। पहले इधर देखो क्या है, पहाड़ पे जाने का। कैसल नेक्स्ट वीडियो में साथ में घूमते हैं।